हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए, पटना में कल सुबह हल्की बारिश हो रही थी और व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे भी आपके साथ शेयर करूं। बारिश होते देखना तो सभी को पसंद आता है। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ। तो आज मैं जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र, जो बहुत ही यूजफुल है और बनाना भी आसान है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, ये एक डिनर सेट का बॉक्स है। तो सबसे पहले मैंने इसके किनारे को कट कर दिया है। ऊपर से मैंने 3 इंच और नीचे 5 इंच छोड़कर एक लाइन ड्रॉ किया है। इससे एक अच्छा पैटर्न बनेगा। ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज करें, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बॉक्स मिलता है। लाइन पूरा ड्रॉ करने के बाद मैं सीजर की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। तो देखिए, कट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं एक और कार्डबोर्ड लेकर इसे बीच में सेट करूँगी। इसके लिए मैं इसी के साइज में कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं पूरे कार्डबोर्ड बॉक्स को रैपिंग पेपर से कवर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने जो किनारे काटे थे उसे बेस में लगाकर बेस को मजबूत करूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ चेक पैटर्न का रैपिंग पेपर लिया है। इस कार्डबोर्ड बॉक्स को पूरा करने में एक और आधा रैपिंग पेपर यूज हुआ है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं अंदर भी कवर कर दूंगी। अब मैं फेविकॉल की हेल्प से इसे बीच में सेट कर दूंगी। इस तरह से इसमें 2 कंपार्टमेंट बन गए। और अब मेरा एक ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। दूसरे ऑर्गेनाइजर के लिए मैंने 2 सर्फ एक्सल का बॉक्स लिया है। इसके किनारों को पहले मैं कट कर लूँगी और फिर सेम पैटर्न में कट करके रैपिंग पेपर से रैप कर दूँगी। तो देखिए, इसको मैंने दूसरे पैटर्न के रैपिंग पेपर से रैप किया है। ये दोनों भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए, अब हमारे तीनों ऑर्गेनाइजर रेडी हैं। अब मैं इन्हें प्लेस करके दिखाती हूँ। देखिए, इसे मैं साइड टेबल पे रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे 2-3 तरीके से रख सकते हैं। आप ऐसे भी रखेंगे या आप ऐसे रखें, आप चाहे तो इसमें रिमोट रख सकते हैं, चार्जर रख सकते हैं, या फिर कोई इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उसे भी रख सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजर को मैं स्टडी टेबल पे रखूंगी। यहाँ स्टडी टेबल पे रखना बहुत ही यूजफुल है,
क्योंकि बच्चों को जो अपना रिसेंट में वर्क करना है वो बुक्स अपना रख सकते हैं, या जो बुक रिसेंट में पढ़ रहे हैं वो रख सकते हैं, या जिन्हें नॉवल पढ़ने का शौक़ है या लिटरेचर स्टोरी बुक्स वो अपना इसमें रख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।